कैडेट कैरियर के तहत राजनांदगांव व दुर्ग जिले के एनसीसी कैडेटों ने नगर निगम स्कूल मैदान से अपनी 2 सूत्रीय मांग को लेकर रैली निकाली, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम पर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शासकीय नौकरियों में एनसीसी कैडेट्स को 2 वर्ष की छूट और नौकरी में 10% की आरक्षण देने की मांग की है। मिशन कैडेट कैरियर के तहत राजनांदगांव और दुर्ग जिले के एनसीसी कैडेट्सों ने नगर निगम स्कूल मैदान से रैली निकाली। प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब एनसीसी के कैडेट्स ने अपनी मांग को लेकर ऐसी रैली निकाली है और अपने अधिकार की बात कही। शासकीय नौकरियों में एनसीसी कैडेट्स को 2 वर्ष की छूट और नौकरी में 10% आरक्षण की मांग की गई है। ये 2 सूत्रीय मांग को लेकर एनसीसी के कैडेट्स ने नगर निगम स्कूल से रैली निकाली और शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांग रखी। हजारों की संख्या में ये एनसीसी कैडेट्स आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिसमें राजनांदगांव जिले के साथ साथ दुर्ग भिलाई सहित जिले के एनसीसी कैडेट्स शामिल हुए। सर, हम लोग उम्र में 2 वर्ष की छूट और जितने भी डिफेंस वगैरह है और जो सिविल सर्विस है उसमें आरक्षण के लिए 10% सीटों में छूट चाहिए हम लोगों को। कितने की संख्या में निकले? सर, आज 1000 की संख्या में निकले हैं। सर, हमारे राजनांदगांव जिले से एक और दुर्ग से, भिलाई से और हो गए। सर, मेरा नाम सीनियर अंडर ऑफिसर लोकेश्वरी साहू। हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसा काम जिसे लोग मील का पत्थर मानेंगे। हम आज एनसीसी कैडेट रोड पे इसलिए उतरे हैं कि ताकि हम किसी कोई भी रैली करते जागरूकता फैलाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, यूपी मतदाता दिवस था तो हम लोगों को जागरूक करते हैं रोड पे उतर के। तो आज हमने अपनी मांग को लेकर रोड पे उतरे हैं। यहाँ पे हम जो रैली में आया है, इसमें हमें कॉलेज यूनिट एनसीसी ऑफिसर किसी की अनुमति नहीं है। हम अपनी मांग भारतीय संविधान भाग 3 के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 1(ख) के तहत इस रैली में पार्टिसिपेट किए हैं। हमारी मांग है कि हमें शासकीय नौकरियों के उम्र में 2 वर्ष की छूट के साथ 10% सीट पर आरक्षण दिया जाए, क्योंकि राज्य सरकार जब एनसीसी पर इतना पैसे खर्च करती है तो हमें इतना ट्रेंड करती है, तो फिर हमें बेनिफिट क्यों नहीं दिया जाता, जबकि हम भारतीय सेना देश के सर्वश्रेष्ठ संसद ट्रेंड है। हमने कारगिल युद्ध में भी अपना योगदान निभाया था, जिससे उससे हमें उपाधि मिली थी एनसीसी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की। तो मैं चाहता हूँ ये बरकरार रहे। अगर हमारी मांग को नज़रअंदाज किया गया या हमारी मांग पर अमल नहीं की गई तो हम ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए हैं, इसके बाद हम रायपुर में उग्र प्रदर्शन करेंगे। हमारी टीम का पुलिस की जो भर्ती होती है उसमें उनको 20% आरक्षण दिया जाए, चूँकि वो लोग इतने साल प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और अभी केवल उनको जो पुलिस भर्ती अगर होता है उसमें एक एक्स्ट्रा अंक दिया जाता है, तो अंक के अतिरिक्त वो आरक्षण की मांग कर रहे थे कि एनसीसी जो पास हो उनको उसे प्राथमिकता, मतलब परसेंटेज दिया जाए 20% का। ये सर, एक नई बात हुई है कि इतने सारे बच्चे एनसीसी के 1000 से ज़्यादा अभी वर्दी पे पहली बार सड़कों पर उतर आए अपनी मांगों को लेकर। नहीं, सड़कों पर नहीं, वो तो छात्र ही हैं एनसीसी के, कोई अलग से सेपरेट वो नहीं रहता है, छात्र ही हैं ये लोग। स्कूल स्तर में भी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं एनसीसी विंग में और कॉलेज में भी प्राप्त करते हैं, लेकिन जब शासकीय सेवा की बात आती है तो उनको एक्स्ट्रा मार्क्स आज देने की स्थिति में वो लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं कि हमको आरक्षण चाहिए। राजनांदगांव से सूर्यकांत यादव की रिपोर्ट, ACN 24।